अपना आवाज दो रवि भाई। मौजूद हैं इस समय नगर पंचायत भारतगंज में, यहाँ पर नीलम करवरिया पुत्र गौरव करवरिया जी मौजूद हैं, यहाँ जनसंपर्क के लिए आए हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करेंगे। जी सर, आपका परिचय क्या है? मैं गौरव करवरिया पूर्व एलएलसी श्री सूरजभान करवरिया जी का बेटा हूँ और इस समय करेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहा हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है जी। यह बताइए कि नगर पंचायत भारतगंज में चुनावी सभीकरण को लेकर आप आए? हाँ जी बिल्कुल जी। तो यह क्या कारण है कि माननीय विधायक जी नहीं आई और आप आए हैं? नहीं, माननीय विधायक जी का आने का कारण आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। आप ये पूछिए कहाँ है, कहीं ना कहीं क्षेत्र में ही है। ठीक है, लेकिन मानी बात है चुनाव के समय हर जगह पे हर गांव पे हर मार्केट में विधायिका जी स्वयं नहीं पहुंच सकती है। जी जी। तो भाई उनका बेटा और परिवार के होने के कारण मैं स्वयं आया हूँ, तो वो आई हैं, मैं आया हूँ, वो एक ही बात है। इसलिए हमने ऐसा पूछा कि और भी प्रत्याशी जो हैं वो स्वयं हाँ, आए हाँ, अभी हाँ, तक जी। इसलिए हमने ऐसा प्रश्न हाँ, पूछा। और एक बात और है, ये क्यों सोच रहे हैं कि और कोई प्रत्याशी आए हैं तो नहीं आएंगे? ये किसने कहा कि वो नहीं आएंगे? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा वो नहीं आएंगे, हमने आपके आने का कारण पूछा। इधर मंडल अध्यक्ष जी बता रहे एक हफ्ते पहले आई थी, अब ये मार्केट में आप कंफर्म कर लो आई थी कि नहीं आई थी? अब आप मार्केट में कंफर्म कर लो। अब आप जी जी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा है। अब देखिए मार्केट के लोग बताइए। कारण देखिए, परिवार में जितने सदस्य होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पिताजी सारे परिवार जो है जेल में है, इसलिए जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की मदद कर रहे हैं। क्या बुराई क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैंने जो है तो गया उनको कि अभी बिल्कुल बिल्कुल मार्केट के लोग बता रहे हैं कि अभी 10 दिन पहले बताया 2 साल कोरोना था। पहली बात महिला है, लीवर के पेशेंट भी है, उनको विधानसभा भी देखना है। अच्छा, पेशेंट भी है, विधानसभा भी देखना है, है? कहने का मतलब इतने में भी जहां बुलाया जाता है, बर्थडे हो, शादी हो, विवाह हो, जो भी कार्ड दिया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वहां नहीं पहुंची है। बात विकास का मांडा ब्लॉक में बघौरा गांव सभा टाप किया था, वहाँ 2 किलोमीटर जो है इंटरलॉकिंग का कार हुआ है, 2 किलोमीटर 1 करोड़ के पार का काम, 1 करोड़ के पार का काम, 1 करोड़। अरे यार शांत रहिए। और हर गांव में इंटरलॉकिंग हुई है, 4-6 हैंडपंप लगे हैं, पानी की टंकी बनाई जा रही है। जितना 70 साल में विकास किसी ने नहीं किया, उतना नीलम जी ने 5 वर्ष में किया है। कार इतना हुआ है कि उसको मुंह से बताया नहीं जा सकता है। आप बिल्कुल, इतना हुआ है कि उसके लिए किताब छपी है, आप किताब पढ़िए और सुबह से शाम पढ़िए। सुयश को जरा पाड़े जी बुलाइए। गौरव करवरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दमन करवरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीलम करवरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीलम करवरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किताब है जी, इस किताब में सिर्फ कार्य नहीं लिखा है जी, कार्य के साथ साथ किस क्षेत्र में, किस गांव में, किस गली में, किस चौराहे पे हुआ है, वो भी लिखा है। और किसके यहाँ, तो उसको आप देखिए, पढ़िए, और उससे ज्यादा प्रमाण के लिए आप जाके वहाँ पे चेक करिए कि वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल चेक किया जाएगा। हमने कार्य पे प्रश्न भी नहीं उठाया था, क्योंकि कार्य हमको भी पता है, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार द्वारा कार्य किया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। बताइए, चुनाव के प्रति जनता का रुझान क्या है आपके प्रति?
भाजपा जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है, और पिछली बार जैसे 300 पार आई थी, इस बार 300 पार आने जा रही है। नीलम करवरिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, जी आप पार्टी इस मंडल का महामंत्री हूँ जी, यह बताइए कि पार्टी के आप पदाधिकारी हैं जी, आप इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं जी, आप बीजेपी मेजा विधानसभा से जी किस स्तर पर जीत रही है आप? ये बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही है बीजेपी जी, बीजेपी जिसका छोर ही नहीं है जी, अंतिम छोर तक, अंतिम पावदान तक ये कण कण जा करके ये जीत का हासिल करेगी। युवाओं में भी अलग, और युवाओं में अलग जोश जो जगाया जा रहा है जी, इसका कोई गणना ही नहीं है जी, अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए, लेकिन अन्य पार्टी वाले भी अपनी जीत की घोषणा करते हुए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उतर करके नहीं, बल्कि रोड मैप दिखा रहे हैं। मैं जमीन पर उतर करके चाय को कर रहा हूं। जी जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए जी, बताइए जी एक बार जान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था इतना बढ़िया हो गया है, प्रदेश हो गया है, इतना बढ़िया सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही है प्रदेश में, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना भय के महिलाएं, बुजुर्ग और हम लोग सब बिना भय के चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय भाजपा, तय भाजपा, हर हर महादेव। बिल्कुल बोल चुके, प्रकाश डालिए इनके कथन पर। भैया बता रहे हैं भाजपा जीत रही है, नहीं शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताए, जैसे जैसे जनता भी बोलती है शिक्षा व्यवस्था कोरोना में डगमगा गई है भाई, कोरोना महामारी थी उसमें डगमगा गई है भाई, वो तो पूरे पूरे जिंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे भाई, कोरोना देख के सारी चीजें बंद थी, वो भी बंद था, लोग पढ़ने वाले ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पढ़ रहे हैं, न पढ़ने वाले स्कूल जाके भी नहीं पढ़ेंगे, जाके रंगे रोटी खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, न पढ़ने वाले तो ना ही पढ़ेंगे, न पढ़ने वाले कभी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भाजपा जीत रही है, मेगा से जीत रही है, लाखों वोट से जीत रही है, और प्रदेश में सरकार बनेगी। नीलम कलरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नगर पंचायत भारतगंज में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नीलम करवरिया के पुत्र गौरव करवरिया चुनाव प्रचार के लिए आए, अपनी मां की मदद करने के लिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल अपनी अपनी जीत की घोषणा का डंका सभी बजा रहे हैं, देखा जाएगा आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे क्या होगा, कैसे होगा, किसकी जीत होगी, हो सकता हो भाजपा ही जीते या सपा जीते या कोई भी अन्य पार्टियाँ, ये जनता तय करे। धन्यवाद, मैं रितेश कुमार केसरी, जन जागरण न्यूज चैनल से, नगर पंचायत भारत है। कई मिनट।